हर युग में समय समय पर मनुष्य में जब दुर्बलता और परेशानियां उजागर हुई हैं, तब तब गणेश जी ने विघ्नों को हरने के लिए अवतार लिए हैं। समस्त देवी देवताओं में प्रथम पूज्य गणेश जी के 8 प्रमुख अवतार हैं। इन अवतारों में गणेश जी के पराक्रम का अद्भुत विवरण मिलता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी के पहले अवतार यानी कि वक्रतुंड अवतार के बारे में। इसके साथ ही गणेश जी के बाकी 7 अवतारों के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहिए श्री मंदिर के साथ। एक बार की बात है, जब इस सृष्टि पर मत्सरासुर नाम का एक बड़ा ही भयानक राक्षस था। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान इंद्र की एक भूल ने राक्षस मत्सरासुर को जन्म दिया। मत्सरासुर शब्द में मत्सर का अर्थ है ईर्ष्या और स्वार्थ। इसके बाद मत्सरासुर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे उसने निर्भयता का वरदान प्राप्त किया। वरदान हासिल करते ही उसने अपने 2 पुत्रों सुंदर प्रिय और विषय प्रिय के साथ तीनों लोकों पर आतंक का हाहाकार मचा दिया और देवताओं को युद्ध में पराजित कर तीनों लोकों को जीत लिया। इसके बाद ही शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बनाया। सभी देवता मत्सरासुर से परेशान होकर मदद के लिए शिव जी के पास पहुंचे, लेकिन अपने ही वरदान से बंधे भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए असमर्थता जताई। सभी देव घबराए हुए थे। तभी ऋषि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश का समन्वित रूप है, देवों के बचाव के लिए आगे आए। उन्होंने सभी देवताओं को एकाक्षरीय मंत्र का रहस्य बताया और उनसे भगवान श्री गणेश के वक्रतुंड रूप की सहायता लेने के लिए कहा। भगवान श्री गणेश जी का पहला अवतार वक्रतुंड के रूप में था। वक्रतुंड शब्द का अर्थ होता है घुमावदार सूंड। सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान गणेश ने अपने वाहन सिंह पर विराजमान होकर मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का वध कर दिया। भगवान गणेश के इस महापराक्रमी स्वरूप को देखकर दानव मत्सरासुर ने आत्मसमर्पण कर दिया और भगवान वक्रतुंड की स्तुति कर क्षमा मांगी। भगवान वक्रतुंड ने उसे माफ कर दिया और तीनों लोगों को मत्सरासुर के कहर से मुक्त किया। उसे पाताल जाने का आदेश भी दिया, जिसके बाद तीनों लोगों में शांति आ गई। भगवान श्री गणेश का वक्रतुंड अवतार ये सीख देता है कि मद और नशे के भ्रम में मनुष्य कितना भी शक्तिशाली या धनवान क्यों ना हो जाए, ज्ञान और विवेक बुद्धि उसे अपनी सीमा और जीवन की सच्चाई समझाने में समर्थ होते हैं। मान्यता के अनुसार भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप का मंदिर आज भारत के तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में स्थित है। ये मंदिर गणेश जी के 8 अवतारों के मंदिरों में से एक है, जहां पर हर वर्ष लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ती ही रहती है और भगवान वक्रतुंड इन सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, हम आशा करते हैं कि गणेश जी की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहते हैं ज्ञान को बांटना भी एक प्रकार की भक्ति का स्वरूप ही है, तो इस वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य करें और भगवान श्री गणेश की भक्ति करते हुए उनकी अनंत कृपा प्राप्त करें। फिलहाल मैं आपसे आज्ञा चाहूंगी, बहुत ही जल्द मिलेंगे भगवान श्री गणेश के दूसरे अवतार की विस्तृत जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश।